नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, IPL 2021 को लेकर एक बहुत ही बड़ी और खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों अब IPL 2021 का बचे हुए मैचेस का आयोजन जो है श्रीलंका में भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, क्या है खुशखबरी, इसके ही बारे में सारी बातचीत हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो भाइयों, अगर आप भी IPL 2021 को पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसी याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। वहीं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। ओनली RCB के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको RCB टीम से जुड़ी और क्रिकेट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो लगातार मिलती रहती हैं, वो भी रोजाना। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की खबर है। इस वक्त सभी क्रिकेट फैंस के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या IPL के बचे हुए मैचेस का आयोजन संभव है या फिर नहीं। इस बीच श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बचे हुए मैचों की मेजबानी करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ऑफर दिया है। बता दें कि बायो बबल में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद इस लीग को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, अब IPL 2021 के बाकी बचे हुए मैचेस कब खेले जाएंगे ये भी फिलहाल नहीं पता है हमें। हालांकि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं और BCCI को विंडो मिल जाती है तो फिर हमें ये मैचेस होते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI बाकी टूर्नामेंट के शेड्यूल करने के लिए एक स्लॉट यानी विंडो की खोज कर रही है। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि भारतीय बोर्ड अन्य बोर्डों के साथ भी बातचीत करके ये देखेगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप से पहले 31 मैचों की मेजबानी के लिए एक विंडो उपलब्ध कराई जा सकती है या फिर नहीं। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि अगर IPL पूरा नहीं हुआ तो बोर्ड को 2500 करोड़ यानी कि लगभग $340 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो अभी शुरुआती अनुमान है। वहीं एक हालिया बातचीत में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग कमेटी के चीफ अर्जुना डी सिल्वा ने कहा है कि उनका बोर्ड सितंबर महीने में एक विंडो प्रदान कर सकता है और वहां पर IPL का आयोजन हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ श्रीलंका को भी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए एक ऑप्शन के रूप में लिया जा सकता है। पिछले साल जब महामारी के कारण IPL को भारत से बाहर शिफ्ट किया गया था तो इसकी मेजबानी UAE में कराई गई थी। इस साल भी यह एक संभावित स्थल के रूप में न केवल IPL 2021 के लिए बल्कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उपलब्ध है। श्रीलंका ने पिछले साल भी IPL की मेजबानी के लिए रुचि व्यक्त की थी, लेकिन BCCI ने टूर्नामेंट को UAE में करवाने का फैसला किया था। वही दोस्तों, अर्जुना डी सिल्वा ने कहा है कि हम निश्चित रूप से सितंबर के महीने में IPL की मेजबानी के लिए एक विंडो प्रदान कर सकते हैं। हम सुन रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात एक विकल्प है, लेकिन श्रीलंका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम जुलाई अगस्त में लंका प्रीमियर लीग की मेजबानी करने की योजना बना रहे हैं और सितंबर में IPL के लिए मैदान और अन्य बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा। तो भाइयों, यहाँ पर श्रीलंका बोर्ड ने भी BCCI को ऑफर दे दिया है। अब BCCI के सामने यहाँ पर कई ऑप्शन है, जहाँ पर इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, UAE है, वहीं दोस्तों श्रीलंका भी इस रेस में आ गया है। हालांकि BCCI के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो IPL 2021 का आयोजन कहां पर कराते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन्हें क्या विंडो मिल पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों कार्यक्रम जो है काफ़ी बिजी होने वाला है। जून में जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, इसके बाद दोस्तों वहां पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज खेली जानी है, इसके बाद T20 वर्ल्ड कप का आना है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि IPL 2021 के बाकी बचे हुए मैचेस के लिए विंडो कब मिलती है, क्या ये वर्ल्ड कप के पहले होता है या फिर वर्ल्ड कप के बाद हमें देखने को मिलता है। वहीं भाई, यहाँ पर UAE जो है BCCI के लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, जहां पर IPL के बचे हुए मैचेस का आयोजन कराया जा सकता है, क्योंकि UAE में जो है दो बार टूर्नामेंट हो चुका है। एक बार पहले हुआ था, वही दोस्तों पिछला सीजन जो है UAE में खेला गया था। अब देखना ये होगा दोस्तों BCCI जो है क्या बड़ा फैसला लेती है। अभी के लिए भाई उस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।